विधानसभा भवन तपोवन में 9 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिषद जाने वाले लोगों को जोरावर स्टेडियम से पैदल नहीं चलना पड़ेगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी दिक्कतें लेकर आने वाले लोगों को विधानसभा परिसर तक पहुंचने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम जोरावर स्टेडियम में तपोवन विधानसभा परिसर तक शटल बस चलाएगी, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। विधानसभा भवन तपोवन में 9 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर जाने वाले लोगों को जोरावर स्टेडियम से पैदल नहीं चलना पड़ेगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी दिक्कतों को लेकर आने वाले लोगों को विधानसभा परिसर तक पहुंचने के लिए HRTC जोरावर स्टेडियम से तपोवन विधानसभा परिसर तक शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा इस बार धर्मशाला डिपो शटल बस के साथ इलेक्ट्रिकल वैन को भी चलाएगा, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जानकारी के अनुसार तपोवन में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों के वाहनों को जोरावर स्टेडियम में ही रोक दिया जाता है, जो कि तपोवन विधानसभा परिसर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जोरावर स्टेडियम से विधानसभा परिसर तक सफर करने में लोगों को दिक्कतें पेश आती थी और कई बार पैदल रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन इस बार पैदल रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परिवहन निगम जोरावर स्टेडियम से शटल बस सेवा शुरू करने जा रहा है। वर्ष 2018 में हुए शीतकालीन सत्र के दौरान भी HRTC के धर्मशाला डिपो ने जोरावर स्टेडियम से तपोवन तक शटल बस सेवा शुरू की थी, जिसका लोगों ने काफी लाभ भी उठाया था। इस बार भी लोगों को इस सुविधा को देखते हुए HRTC ने बस चलाने का फैसला लिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मशाला डिपो पंकज चड्डा ने बताया कि 9 से 14 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला डिपो जोरावर स्टेडियम से विधानसभा परिसर तक बस सेवा चलाएगा। इसके अलावा इस बार एक इलेक्ट्रिकल वैन भी इस रूट पर चलाई जाएगी, ताकि लोगों को अधिक लंबा इंतजार ना करना पड़े। इस बस में कितना किराया लोगों से वसूला जाएगा, ये निर्णय जल्द ही ले भी लिया जाएगा। काफी लोग जो है विधानसभा परिषद में आते हैं और वो रोजाना जो वहाँ की कार्रवाई है उसको देखते हैं, और बहुत से लोग MLA साहबान या परिवहन मंत्री साहबान या CM साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने परिवहन व्यवस्था की है, जो लोग बसेस में आते हैं या लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ जोरावर स्टेडियम में पार्क की जाती हैं। तो हम एक बस और एक इलेक्ट्रिक वैन की सुविधा लोगों को देंगे, जो कि जोरावर स्टेडियम से विधानसभा परिसर तक चलेगी, और वैसे ही विधानसभा परिसर से वो जोरावर स्टेडियम आएगी, तो लोग इसका फायदा ले सकते हैं। और इसी ढंग से विधानसभा परिसर से और जोरावर स्टेडियम के बीच में पूरा दिन हम इस सुविधा को लगाएंगे, ताकि लोग जब भी कभी आना चाहें विधानसभा परिसर आ सकते हैं, और जब भी उन्हें वापिस जाना हो तो उस सुविधा का वो लाभ ले सकते हैं। सर, ये सेवा निःशुल्क रहेगी या इसके चार्जेस लिए जाएं? ये नहीं, बड़े नॉमिनल से चार्जेस लिए जाएंगे। मोस्टली पिछले बार भी उन्हें 5 रुपए लिए थे, और इस बार भी हम स्वीकृति के बाद मोस्ट ऑबली 5 रुपए ही एक आदमी से चार्ज करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।